हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू किचन। मंजू किचन में आपका स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप? आप सभी को आने वाली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं होली के उपलक्ष्य पे ही बना रही हूँ गुजिया, चाशनी वाली गुजिया, जो सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गुजिया का आटा गूंदेंगे। तो ये मैंने 2 कटोरी मैदा ली है, इसको पहले से ही छान लिया है मैंने, और साथ में हम ये देसी घी डालेंगे। तो ये आटा इसमें मैं सॉरी मैदा इसमें मैं डाल रही हूँ, और साथ ही इसमें मैं ये 5 चम्मच घी भरकर डालूंगी। 3, 4, 5, और पहले हम आटे में घी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, जब ये आटा बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए घी में, तो ऐसे आटे की मुट्ठी बननी चाहिए, मतलब हमारा मोइन बिल्कुल ठीक है। और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बिल्कुल सख्त आटा गूंदेंगे। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से लोच देके के गूंदना है और थोड़ा सख्त आटा गूंदना है। आप जितना सख्त आटा गूंदेंगे उतनी ज़्यादा हमारी गुजिया अच्छी बनेगी। पूरी फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंद चुका है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और इतने हम अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टफिंग के लिए हमने लिया है ये खोया, ये 250 ग्राम है, और ये मैंने घर में ही निकाला है। घर का खोया ज़्यादा बढ़िया होता है। और इसके लिए और सामान लेंगे हम, ये 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच बादाम, और ये थोड़ी सी इलायची 5-6 मैंने पीस ली हैं, और 2 चम्मच चिरौंजी। और फ्रेंड्स, आप अपने मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और आधी कटोरी बूरा, आप चाहें तो किसी भी चीनी भी डाल सकते हैं, और ये 1 कटोरी गोला है। फ्रेंड्स, ये जो गोला होता है इसको मैंने कस लिया है और पीस लिया है। और फ्रेंड्स, नारियल के बुरादे की बजाय आप ये वाला गोला डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। और आधी कटोरी मैंने सूजी ली है। तो ये हमारा स्टफिंग का सामान है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा खोया मेल्ट करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, और बिल्कुल धीमी धीमी गैस पर बिल्कुल थोड़ा सा इसको मेल्ट करना है, और खोया बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए नीचे, इसलिए लगातार चलाते रहें। और फ्रेंड्स, साथ ही में इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। ये चिरौंजी डाल देंगे इसमें, बादाम डाल देंगे, और किशमिश हम बाद में डालेंगे, काजू डाल देंगे, और ये इलायची पाउडर भी डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मेल्ट किया है, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स ही मिला दिए हैं। अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अब इसी कढ़ाई में हम ये गोला भूनेंगे थोड़ा थोड़ा। इसको भी हल्का हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 मिनट तक भूनना है बस। फ्रेंड्स, देखिए हमारा गोला भी भून चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको किसी कटोरे में निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, देखिए पहले हम अपने मावा भूना था वो डाल दिया, फिर इसके ऊपर ये गोला डाल दिया, अब हम सूजी भूनेंगे अपनी। फ्रेंड्स, मैं ये 1 चम्मच घी डालूंगी, और अब इसमें मैं सूजी भूनूंगी। सूजी भी हमको हल्की ब्राउन करनी है, ज़्यादा नहीं भूननी है। फ्रेंड्स, जब तक हमारी सूजी भूनती है हम चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने 1 कटोरी, मीडियम साइज की कटोरी है ये, 1 कटोरी चीनी ली है, और उससे थोड़ी सा कम पानी लिया है। तो मैं ये चीनी और पानी एक साथ डाल दूंगी, और जब तक चीनी घुलेगी तब तक हम तेज़ आंच रखेंगे, फिर बाद में मंदी कर देंगे और 1 तार की चाशनी बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें मैं ये 3 इलायची पीसी हुई मैंने ये भी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा येलो कलर भी डाल रही हूँ, फूड कलर, और इसको 1 तार की चाशनी बनने तक पकाना है हमको। फ्रेंड्स, देखिए हमारी सूजी ऐसी भूननी चाहिए, भून चुकी है ये, और मैंने गैस भी बंद कर दिया है। अब मैं इसको खोए में मिलाऊंगी। जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसमें हम सूजी भी मिलाएंगे। और फ्रेंड्स, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बूरा मिलाएंगे और किशमिश मिलाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है, अब इसमें मैं ये किशमिश डाल रही हूँ और ये बूरा डाल रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप और बूरा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, पहले आप चख के देख लें इसको, उसके बाद डालें। फ्रेंड्स, हमारे आटे को 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको 1-2 बार लोच और लगाएंगे, और फिर इसे हम गुजिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, पहले हमने एक लोई का आटा तोड़ लिया है,
और ऐसे लोई बनाएंगे, पूरी जितनी लोई बनाएंगे हम ऐसे करके सारी लोइयां बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमको ऐसी चाशनी चाहिए, ये एक तार की चाशनी बननी चाहिए इसमें। और फ्रेंड्स इसमें मैं 3-4 बूंदे नींबू की भी डाल दूंगी जिससे कि हमारी चाशनी जमेगी नहीं। और अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमने सारी लोइयां बना ली हैं, अब हम इनको बेलेंगे। पूरी की तरह ही बेलना है हमको, बस पूरी से थोड़ा सा पतला बेलना है। देखिए ऐसा बेलना है हमको। फ्रेंड्स पहले हम चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे, और ये पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी गुजिया चिपकेगी नहीं। और फिर एक चम्मच स्टफिंग भरेंगे और इसको मोड़ लेंगे, इसको किनारों पे से दबा देंगे अच्छी तरह से। और फिर फॉक से दबाएंगे। देखिए बिना सांचे के भी कितनी अच्छी गुजिया बन गई हमारी। और इसको हल्का हल्का दबाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है। ऐसे ही हम सारी गुजिया बना लेंगे। ये हमको दोनों तरफ से करना है, दोनों तरफ से ये डिज़ाइन आना चाहिए। देखिए हमने फॉक से सारी गुजिया बना ली हैं, अब मैं दूसरी वाली गुजिया बनाना सिखाती हूँ आपको। ये मैंने बेल लिया है, पानी लगा दिया है, और एक चम्मच स्टफिंग भरेंगे इसमें, और फिर इसको इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे। बिल्कुल मिला मिला कर प्रेस करना है। और फिर हम हाथ से ही डिज़ाइन बनाएंगे, इसको यूँ दबाकर, फिर साथ साथ में एक अंगूठे से और एक उंगली से ऐसे दबाते रहना ताकि ये हमारा डिज़ाइन बन जाए। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन, ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा ये। फ्रेंड्स इसके लिए तेल बिल्कुल भी तेज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है, और तेल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी गुजिया अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से ज़्यादा जल जाएगी। अब मैं एक एक करके गुजिया डाल रही हूँ। देखिए बिल्कुल ऊपर नहीं आई ना, तो हमारा तेल ऐसा होना चाहिए। फ्रेंड्स देखो एक मिनट हो चुका है इसको, अब मैं इसको आराम आराम से पलटूंगी जिससे कहीं ये खुल ना जाए, ये भी डर है इसका। फ्रेंड्स देखिए ऐसा कलर करना है हमको गुजिया का। अब ये रेडी है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। और फ्रेंड्स ये गरम गरम ही हमको चाशनी में डालनी है, गुजिया गरम होनी चाहिए और चाशनी ठंडी होनी चाहिए। फ्रेंड्स ऐसे हमको ये चाशनी में डालनी है, और इसके ऊपर भी ऐसे चाशनी रखनी है, डालनी है इसके ऊपर चाशनी, और इसको 2-3 मिनट तक चाशनी में ही रखे रहने देंगे, बाद में निकालेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी ये सेकंड टर्न है गुजिया की, ये भी अब होने वाली है। और फ्रेंड्स ये मैंने चाशनी में भी डिप कर रखी है। और फ्रेंड्स बाय चांस अगर आपकी कोई गुजिया फूट जाए तो पहले आप उसको निकाल लीजिए और उसको सबसे आखिरी में तलिए, जिससे हमारा तेल ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स देखिए एक हमारा ये डिज़ाइन है जो हमने फॉक से बनाया था, और एक ये डिज़ाइन है जो हमने हाथों से बनाया था। आप चाहे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और अगर आप चाशनी नहीं चढ़ाना चाहते तो आप बिना चाशनी के वैसे भी खा सकते हैं, अगर आप कम मीठा खाते हैं तो। फ्रेंड्स देखिए लीजिए तैयार है हमारी गुजिया। अब आपको मार्केट जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही मार्केट जैसी गुजिया बना सकते हैं। और फ्रेंड्स जो मुझे फेसबुक पर फॉलो करते हैं वो मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी होली फ्रेंड्स।